नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एम सिक्स श्योर गेन के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा। और कल हमने देखा अल्गो ब्रिज के बारे में, हमने जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी थी जिससे कि आपने देखा कि ऑटो ट्रेडिंग किस तरीके से हो रही है। एलिस ब्लू ब्रोकर के साथ हमने कनेक्ट करके आपको दिखाया था कि ऑटो ट्रेडिंग में कैसे कैसे क्या क्या फंक्शंस फीचर्स काम करते हैं। आज इस वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, और हम ट्रेडिंग करके देखेंगे मार्केट में सिग्नल्स जनरेट करके कि जब सिग्नल आता है तो किस तरीके से ऑटोमेटिक ट्रेड परफॉर्म होती है। अभी मार्केट चल रही है तो इसलिए मैंने सोचा मार्केट रनिंग मार्केट में ही आपको दिखाया जाए किस तरीके से सिग्नल जनरेट होंगे और किस तरीके से ट्रेड होगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले लॉगिन करना है हमें, तो यहाँ पर algobridge.in पे जाना है, www.algobridge.in, और यहाँ पे लॉगिन करना है। कल हमने अकाउंट खोलना बताया था, जिन लोगों का अकाउंट नहीं है और पिछली वीडियो नहीं देखी वो पहले पिछली वीडियो देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर आके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अपनी पूरी डिटेल डालेंगे तो उसके बाद रजिस्टर करेंगे तो अकाउंट खुल जाएगा। यहाँ पर आपको एलिस ब्लू की यूज़र आईडी डालनी है, जो आपकी एलिस ब्लू में अकाउंट है उसकी यूज़र आईडी जो है वो यहाँ पर आपको डालनी होगी ज़रूर, और उसके बाद अपनी डिटेल बाकी की भर के आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो दोस्तों मैं साइन इन पर जाता हूँ, मेरा अकाउंट कल हमने ऑलरेडी खोल लिया था, ये मैंने साइन इन कर दिया है। अब इस साइन इन में देख सकते हैं आपकी यहाँ पर क्रूड ऑयल का एक सिंबल जो है वो मैंने यहाँ पे लगाया है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, दोबारा से नए नए सिग्नल लगा के चेक करेंगे। एक बार मैं आपको दोबारा से रिवाइज़ कर देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी, किस किस तरीके से हमने काम किया था। सबसे पहला हमारा काम होता है ऑथोराइजेशन पे जाने का और अपने आप को ऑथोराइज़ करने का। तो ऑथोराइज़ करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें वैलिडेट करना होगा अपना ऑथोराइजेशन टोकन। देखिए यहाँ पर वैलिड आ रहा है, अगर ये इनवैलिड होता है तो हमें दोबारा से टोकन जनरेट करना होता है। और वैसे एक सुबह की एक हैबिट आपको बना ही लेनी है इसमें कि मार्केट शुरू होने से पहले आपको अपना टोकन जो है वो एक्सेस कर ले। गेट एक्सेस टोकन, मैंने ऑलरेडी अपना टोकन ले लिया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आ रहा है एक्सेस टोकन वैलिड। अब सेकेंड ऑप्शन जो स्ट्रेटजीज़ का है, तो स्ट्रेटजीज़ में कल मैंने आपको दिखाया था किस किस तरीके की स्ट्रेटजीज़ अवेलेबल हैं, क्या क्या उसमें आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी दिखाई थी आपको कि यहाँ पर क्लिक करने से परफॉर्मेंस आ जाती है। ये देखिए परफॉर्मेंस आ रही है, कौन सा सिग्नल में स्टॉप लॉस टारगेट, यहाँ पर 84% की जो एक्यूरेसी आपको देखने को मिल रही है ईगल ट्रेडिंग सिस्टम में, जो कि कमोडिटी के लिए ही बेस्ट है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर 84% की एक्यूरेसी। और सेम अगर आप और किसी स्ट्रेटजी की परफॉर्मेंस भी देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए सुपर ट्रेंड की परफॉर्मेंस हमें देखनी है तो हम सुपर ट्रेंड की पास्ट परफॉर्मेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सुपर ट्रेंड का आ जाएगा कि कौन कौन सी परफॉर्मेंस, जो कि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 77% की परफॉर्मेंस आ रही है। यहाँ पर 76 सिग्नल में से 59 सिग्नल जो हैं वो प्रॉफिट के रहे हैं और कुछ लॉस के भी रहे हैं 17 सिग्नल। अगर आप चाहें किसी सिंबल की, पर्टिकुलर सिंबल की परफॉर्मेंस देखना, जैसे बैंक निफ्टी की देखनी है, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी लिखेंगे तो बैंक निफ्टी के सिग्नल्स आ जाएंगे। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 4 स्टॉप लॉस 5 स्टॉप लॉस और 4 टारगेट इसमें लगे हैं अभी तक जो सिग्नल जनरेट हुए हैं उसमें, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख को भी पहले। आज यहाँ पर देखेंगे आप बाई का सिग्नल जनरेट हुआ उसमें भी टारगेट हो गया, सेल का हुआ उसमें भी टारगेट हो गया। तो ये लेटेस्ट हैं, अपने जो भी सिग्नल्स जनरेट होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कस्टमाइज स्ट्रेटजी में, कल हमने आपने देखा होगा कि ईगल ट्रेडिंग सिस्टम पे क्रूड ऑयल लगाया था। अब इस क्रूड ऑयल में क्या सिग्नल जनरेट हुआ, क्या ट्रेड हिस्ट्री में हमें दिख रहा है वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। इसमें ट्रेड हिस्ट्री में से दिखाया क्रूड ऑयल का सेल का सिग्नल जो है जनरेट हुआ MIS में, और एक क्वांटिटी में MCX एक्सचेंज था, सक्सेस हो गया, ये ऑर्डर आईडी आ गया, टाइम डेट आ गया। तो इस तरीके से जो है आपको हिस्ट्री दिख जाएगी, क्योंकि कल हमारा कोई सिग्नल जनरेट नहीं हुआ था तो मैं आपको हिस्ट्री नहीं दिखा पाया था इसकी, आज मैं आपको हिस्ट्री दिखा रहा हूँ। अब आगे हम बात करेंगे डैशबोर्ड की। आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के इस वीडियो में ये है कि डैशबोर्ड से हम ट्रेड जनरेट करके देखेंगे कि किस तरीके से नई ट्रेड्स जनरेट होती हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं कोई भी सिंबल लगा लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर लगाना है बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी फ्यूचर, कौन सा फ्यूचर है ये, अप्रैल का फ्यूचर ना, अप्रैल फ्यूचर, ठीक है, बैंक निफ्टी अप्रैल फ्यूचर लगा दिया मैंने, सेव चेंजेस कर दिया। अब क्या ये बैंक निफ्टी का यहाँ पर जनरेट हो गया, ये एक यहाँ पर सिंबल की लिस्ट में आ गया। इसमें की आई है हमारे पास, ये की बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में यहाँ पर जो ऑथराइजेशन में हमने यूनिक आईडी बनाई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं लगाऊंगा एक सिंबल बैंक निफ्टी का, ठीक है, बैंक निफ्टी का सिंबल लगाया मैंने। अब मैं इसका चार्ट ओपन करूँगा, ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया।
तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का चार्ट भी ओपन हो गया। अब मुझे चाहिए कि मैं इसमें कोई इंडिकेटर लगाऊँ। तो सबसे पहले हम जो लगाएंगे वो है इजी ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। इजी ट्रेडिंग सिस्टम में क्या है, आप बटन प्रेस करके बाय या सेल कर सकते हो। तो सबसे पहले मुझे सबसे ऊपर क्या लिखना है, अपना यूज़र की जो मैंने जनरेट किया है, उसके बाद लिखना है इंस्ट्रूमेंट की। तो इंस्ट्रूमेंट की कौन सी है, ये वाली, इसको हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। यूज़र की कौन सी थी, जो हमने ऑथराइजेशन के टाइम पे यूनिक आईडी क्रिएट करी थी, जो हमने वन टाइम की थी, ये यहाँ पे मैंने डाल दिया। इसके बाद क्वांटिटी में मैं 20 कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, हमारी सेटिंग कंप्लीट हो गई है और हमने अब ऑर्डर जनरेट करना है, ठीक है। तो अब ये हम इसको ओके करेंगे। जब हम इसको ओके करेंगे तो ये हमें चार्ट के बॉटम पे दो बटन दिखाएगा, एक बाय का बटन एक सेल का बटन। अब मान लीजिए हमको बाय करना है, तो हम क्या करेंगे, बाय का बटन पे प्रेस करेंगे। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से वो यहाँ पर दिखता है। एक्सपर्ट की विंडो में हमें दिख जाएगा जब हम बाय करेंगे तो हमारा बाय हुआ या नहीं हुआ। जैसे ही हमने बाय के बटन पे प्रेस किया तो अब ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये कह रहा है इंस्ट्रूमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। अब ऐसा क्यों आ रहा है, उसका रीज़न ये है कि हमने इसको स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। अब हमने इसको स्टार्ट कर दिया तो ये अब एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर सिग्नल को प्रेस करेंगे दोबारा से। मान लीजिए हमें सेल करना है, ठीक है। अब हम सेल का बटन प्रेस करेंगे, तो जैसे सेल का बटन हमने प्रेस किया, इसने हमें दिखा दिया स्टेटस सक्सेस और मैसेज में आ रहा है ऑर्डर प्लेस्ड सक्सेसफुली और साथ में आपकी OMS की ऑर्डर आईडी आ रही है। अब हमें इसको वेरीफाई करना है कि हमारा ट्रेड हुआ या नहीं हुआ। सबसे पहले तो हम यहाँ जाके हिस्ट्री में चेक कर सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में जब हम जाएंगे तो हमें ये दिखा रहा है कि 20 क्वांटिटी का सक्सेस ट्रेड हो गया, ये ऑर्डर आईडी है आपकी, ये डेट एंड टाइम है। अब आते हैं हम यहाँ पर अपने एलिस ब्लू में जाके देखते हैं। जब हम एलिस ब्लू में गए, हमने ऑर्डर पे गए, यहाँ पर हमें दिख रहा है, ये देखिए आप, ये ऑर्डर जो है बैंक निफ्टी का नया ऑर्डर यहाँ पे एक लग गया है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ऑर्डर्स लगते हैं, बैंक निफ्टी का सेल का ऑर्डर यहाँ पे लग गया है जो कि रिजेक्टेड आ रहा है। अब मान लीजिए सेल करने के बाद हमें लगा कि एक सफिशेंट प्रॉफिट हमें मिल रहा है और हमें ट्रेड को ख़त्म कर देना चाहिए। तो जब हम ट्रेड को ख़त्म करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, वापस इसको बाय कर लेंगे। हमने बाय किया, देखिए दोस्तों सेल बाय के ऑर्डर्स जो है यहाँ पे जनरेट हो गए हैं। तो इस तरीके से बटन ट्रेडिंग सिस्टम से हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब भी हमें चाहिए कि भाई हमारा कोई ट्रेड ऑटोमेट हो जाए या फिर हमें बटन से बाय या सेल करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे पैटर्न पे या दूसरे इंडिकेटर पे जिसके थ्रू आप ऑटो ट्रेडिंग कर सकते हैं। मान लो सुपर ट्रेंड आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम अब सुपर ट्रेंड पे ट्रेडिंग करेंगे। सुपर ट्रेंड पे करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास ज़्यादा है नहीं, तो आपको हम दिखा देते हैं यहीं से कि किस तरीके से सिग्नल जनरेट होने पर ट्रेड करता है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बहुत फास्ट कर देंगे, पैरामीटर्स को बहुत फास्ट। इस तरीके से हमें एक्चुअल में रियल ट्रेड में नहीं करना है। अभी मैंने इसको इतना फास्ट इसलिए किया है क्योंकि ये जो है आपका सिग्नल्स जो जनरेट हो रहे हैं वो फास्ट करने से जल्दी जनरेट होंगे। तो यहाँ पे मैंने टारगेट स्टॉप लॉस भी सेट कर दिया और साथ में क्वांटिटी भी सेट कर दी है। अब मैं इसको ओके पे क्लिक करूँगा और इसको करूँगा क्लोज़। अब देखो क्लोज करने से इसने जो है सुपर ट्रेंड में सिग्नल जनरेट कर दिया है सेल का। सेल का ये देखो प्लेस हो गया सेल का ऑर्डर, यहाँ पे OMS ID भी आ गई है। अब यहाँ पर हम जाके देखेंगे नया सिग्नल सेल का बैंक निफ्टी में बना है या नहीं बना। ये देखो दोस्तों यहाँ पे ये नया सिग्नल यहाँ पे जनरेट हो गया है। अब क्या है कि अगला सिग्नल आने तक वेट करते हैं, फिर हम मैं आपको दिखाऊंगा कि बाय के सिग्नल पे किस तरीके से रिएक्ट करता है ये। पे आप देख सकते हैं कि बाय का एरो जनरेट हो रहा है। अब कैंडल क्लोज होने के बाद ये तुरंत बाय का ट्रेड आपका टर्मिनल पे डालेगा। देखते हैं इसको कंप्लीट होने का वेट करते हैं। देखिए कंप्लीट हो गया, ऑर्डर इसने डाल दिया। अब हम जाके देखेंगे अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे कि बाय का ऑर्डर आया या नहीं आया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसमें बाय का ऑर्डर आ गया और बाय का ट्रेड भी इसने परफॉर्म कर दिया। अभी आप ये देखेंगे कि इसमें दो ट्रेड एक साथ हुए हैं, देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी आप देखेंगे। तो कोई लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दो बार क्यों हुआ है, तो
दो बार दोस्तों ये इसलिए हुआ है क्योंकि ना तो इसमें स्टॉप लॉस लगा सेल वाले ऑर्डर में, ना ही टारगेट लगा और रिवर्स एरो बन गया। तो उसके लिए इसने दो ट्रेड किए हैं, एक बाय सेल को ख़त्म करने के लिए, एक नया फ्रेश बाय, दोनों एक ही टाइम की ट्रेड्स हैं आप देख सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों ऑटो ट्रेडिंग काम करती है रियल टाइम में। इस तरीके से सिग्नल जनरेट होते हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई पर्सनल स्ट्रैटेजी है और उसी के ऊपर आपको ऑटोमेट करवानी है सिग्नल, तो वो काम भी हम करके देंगे आपको। उसके थ्रू भी आप ऑटो ट्रेडिंग कर सकते हो और वो भी आपके लिए प्रॉफिटेबल ही रहेगी। और जितना भी आप जिस भी चीज़ इसमें चाहते हैं, जो भी चीज़ परफॉर्म करना चाहते हैं, वो सब चीज़ आप इसमें कर सकते हैं, ऑटो ट्रेडिंग कर सकते हैं। MT4 के थ्रू अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाएगा, अच्छी खासी ट्रेडिंग इसमें हो जाती है। तो आप जाइए हमारी वेबसाइट पे www.algobridge.in पे और वहाँ पर जाके अपना अकाउंट ओपन कीजिए, 6 दिन का ट्रायल लीजिए, ट्रायल में चेक कीजिए कैसे कैसे स्ट्रेटजीज हैं। अगर MT4 के थ्रू करना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए, हम आपको सेटअप करके देंगे, 6 दिन का डेमोस्ट्रेशन आपको दिखाएंगे। आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, वेबसाइट के थ्रू ही आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना सब्सक्रिप्शन लेके और 1 महीने पूरा ट्रेडिंग कर सकते हैं। API के कोई चार्जेस वार्जेस पे नहीं करने हैं आपको, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फ्री है एलिस ब्लू के साथ। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।